हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्राउट्स हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे। तो प्राउट साहब ने क्या कहा था, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और इट्स आइसोटोप। तो जितना भी एलिमेंट बना है वो हाइड्रोजन से बना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लिथियम लेते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, 7। तो इनका बोलना था कि जो 7 है वो 7 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जितना भी एलिमेंट बना वो हाइड्रोजन का ही बना है। तो अपने ये हाइपोथेसिस पे एक फॉर्मूला भी दिए थे, वो है एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये इनका हाइपोथेसिस था। तो जब आगे और भी डिस्कवरी हुआ तो इनका हाइपोथेसिस फेल हो गया। तो इनका कुछ डिमेरिट भी हुआ था। तो इनका पहला डिमेरिट था, ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट बी मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितना भी एलिमेंट वो हाइड्रोजन से कैसे बन सकता, वो तो बन नहीं सकता। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हम कैल्शियम का, कैल्शियम है इसका एटॉमिक मास क्या है, 40। तो इनका कहना था जो कैल्शियम है वो 40 हाइड्रोजन से बना है। तो ऐसा थोड़ी नहीं, गलत है। बोथ ऑफ द कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आर टू डिफरेंट एलिमेंट, इसलिए दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो कैसे दोनों मतलब सेम हो सकता है, इसलिए इन आगे चल के इनका हाइपोथेसिस गलत हो गया। कैल्शियम इज नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कैल्शियम का दोनों अलग एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक मास, यहाँ तक एटॉमिक नंबर भी दोनों का डिफरेंट है। तो हो नहीं सकता है कि दोनों एलिमेंट सेम हो। और इनका हाइपोथेसिस गलत हो गया था, ये भी है डिमेरिट है इसका। यह अकॉर्डिंग टू प्राउट्स एटॉमिक वेट विल बी ओनली इंटीजर में, इनका इनके अकॉर्डिंग, इनका जो हाइपोथेसिस था इनके अकॉर्डिंग जितना भी एटॉमिक वेट होगा ये इंटीजर में होगा। तो इंटीजर में जैसे क्या हो जाता, 2, 4, 6 मिस इस टाइप का जो भी रहेगा वो सब इनके हाइपोथेसिस में सही था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। तो ये क्या होगा, डेसिमल में, फ्रैक्शन में या फिर रूट में इस टाइप का कोई भी नंबर रहेगा तो वो अप्लीकेबल नहीं है इस हाइपोथेसिस के लिए। तो इसलिए अगर आगे चलकर इनका हाइपोथेसिस गलत हो गया, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 और डेसिमल में आ गया, इसलिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इनका हाइपोथेसिस गलत हो गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।